इसको डाउन साइड में टाइप सी का पोर्ट दिया गया है जो इसे हम इसको चार्ज करने के लिए यूज कर सकते हैं। और ये इसका पावर ऑन ऑफ बटन, और ये NR नॉइस कैंसिलेशन का डेडिकेटेड बटन, ये स्पंज दिया गया है जो विंड को रोकने के लिए हेल्प करता है, और इसको आप निकाल सकते हो, क्लीन कर सकते हो। ये इसका माइक्रोफोन है, वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ब्लॉग अगेन। आज हमने मंगाया है ये बोया का माइक्रोफोन, वायरलेस माइक्रोफोन है ये, 2.4 GHz फ्रीक्वेंसी पे काम करता है, और ये डेडिकेटेडली ओनली फॉर आईफोन यूजर्स के लिए है। जो भी ब्लॉग करना चाहते हैं, व्लॉग करना चाहते हैं, या इंटरव्यू लेना चाहते हैं 1-on-1, सो ये डिवाइस जो है उनके लिए बनाया गया है। BY वर्जन 2, ये वर्जन 2 का डिवाइस है जिसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे। सो ये डिवाइस को हम फटाफट से पहले अनबॉक्स करते हैं, और हम आप आईफोन पे कनेक्ट करके आपको दिखाते हैं ये कैसे काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरी तरह से बॉक्स देख लीजिए। ओमनी डायरेक्शन साउंड पिकअप, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, 50 मीटर वायरलेस ट्रांसमिशन, ये सबसे लेंदी ट्रांसमिशन है इस कैटेगरी में। उसके बाद में अप टू 9 आवर्स ऑफ ट्रांजेक्शन रन टाइम, माइक्रोफोन म्यूट कंट्रोल, 360 रोटेटिंग बैक क्लिप, उसके बाद में हाई परफॉर्मेंस नॉइज रिडक्शन, ऑटोमेटिक पेयरिंग, ये सारे फीचर है। और इसकी जो कॉस्ट यहाँ पे दी गई है बोया की, 4,750 रुपीज़, और मुझे ये अमेजोन पे पड़ा है तकरीबन 3,624 रुपीज़ समथिंग का। ये ऑफर में था डील ऑफ द डे में, तो मैंने पिकअप किया था। डिस्क्रिप्शन ज़्यादा नहीं पड़े तो मुझे लगा ये एंड्रॉयड और आईफोन दोनों के लिए है, बट यहाँ पे दिखाया गया है मेड फॉर आईफोन एंड आईपैड्स, सो दैट इज़ द वर्जन, कंपैटिबल वर्जन ऑफ द आईपैड एंड आईफोन्स। सो लाइटनिंग पोर्ट जिस डिवाइस में है उसी के लिए ये कंपैटिबल है। टाइप सी पे ये काम नहीं करेगा गाइस, तो मेक श्योर ये परचेस करते वक्त इफ ओनली फॉर आईफोन यूजर्स के लिए है ये आप जान लीजिए। अभी मेरा जो वॉइस मैंने आपको सुना रहा हूँ, तो ये अभी नॉर्मल फ़ोन के ऊपर से मेरा वॉइस जा रहा है, और मैं आपको इसकी क्वालिटी भी नॉइस कैंसिलेशन के साथ और विदाउट नॉइस कैंसिलेशन के साथ भी आपको सुनाऊंगा। तो पहले से फटाफट से अनबॉक्स करके देखते हैं इस डिवाइस में हमें क्या क्या मिलता है। सो ये यहाँ पे दी गई 2 ईयर्स की वारंटी, और इन्होंने ये भी बताया यहाँ पे कि अगर बेस्ट साउंड के लिए आप ये ऐप डाउनलोड करिए, रिकमेंडेड जो भी इन्होंने बार कोड दिया यहाँ पे। देखते हैं डिवाइस के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट डिवाइस है, और बोया का लेस एक्सपेंसिव डिवाइस जैसे बोल सकते हो आप। सो हमें डॉक्यूमेंट मिलता है यहाँ पे, इसकी पैकेजिंग कुछ इतनी खास नहीं है गाइस, बट या ब्रांड मैटर्स। क्विक स्टार्ट गाइड है, ये कुछ इस तरह क्विक स्टार्ट गाइड दिया गया है यहाँ पे। इसके बाद में हमें ये कुछ इमेजेस दी गई हैं, ये माइक्रोफोन है, ये बटन्स है पावर ऑन ऑफ, ये नॉइज़ कैंसिलेशन का बटन दिया गया है। उसके बाद में ये कुछ इसकी वारंटी डिटेल्स, वारंटी स्टेटस, 2 साल की वारंटी स्टेटस के साथ ही आता है। एनीवेज इसी सकते साइड में ये है इसका, और बॉक्स में हमें पहले क्या मिलता देखते। ओके सो बॉक्स में हमें इसे लिखा जेल। एनीवेज सो ये टाइप सी USB केबल, USB टू टाइप सी, बहुत ही लो कैटेगरी की केबल दिखती है गाइस, ये एकदम चीप क्वालिटी, पर एनीवेज चार्जिंग के लिए खाली दी गई है ये केबल। और सेकंड थिंग हमें यहाँ पे मिल रहा है बोया का, ये आईफोन के अंदर जाने वाला रिसीवर। सो ये रिसीवर पे आप फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो, यहाँ पे आप टाइप सी की केबल डाल के आप फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो। सो मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज़ होगा। आप यहाँ पे ये सपोजिंगली मेरा आईफोन है अभी, और यहाँ पे मैं इसे इंसर्ट कर दूंगा लाइटनिंग पोर्ट में, और आप देखो कि यहाँ पे लाइट ब्लिंकिंग होना चालू होगी ब्लू कलर की। सो इसका मतलब है ये रिसीवर क्विकली एडॉक टाइप कनेक्टिविटी पे स्टार्ट हो गया है। सो आप ये अभी अपने डिवाइस को ढूंढ रहा है, इसके लिए इसकी ब्लू लाइट ब्लिंक हो रही है। और जैसे मैं अब कोई भी एक माइक्रोफोन ले लूँ, जैसे मैंने ये अभी माइक्रोफोन मेरा ये एक ट्रांसमीटर मैंने निकाला है, सो इसे मैं पावर ऑन करता हूँ, देखिए ये लाइट जलना चालू हो गई, और
ये दोनों पैर हो गए एक साथ, वेरी इजी और वेरी फास्ट। आप देख सकते हो ये पैर होता है डिवाइस के साथ। सो ये कुछ इस तरह दिखता है गाइस रिसीवर। इसके अंदर ये 360 डिग्री रोटेशन का क्लैंप दिया गया है, क्लिप दिया गया है। आप ये आपके ड्रेस पे लगा सकते हो और आप इसको माइक्रोफोन को यूज कर सकते हो। इसका मॉडल BYV2TX ट्रांसमीटर, ये रिसीवर। सो ये अभी मैंने फोन ऑफ हो गया तो डिसकनेक्ट हो गया, अभी वापस पेयर हो जाएगा। देखिए फोन की लाइट अगर ऑफ, मतलब फोन डिसकनेक्ट हो जाएगा तो ये वापस सर्चिंग मोड में चला जाता है। और बहुत ही फास्ट एक्शन है और यहाँ पे इसकी क्वालिटी ठीक है, इतनी भी अच्छी नहीं बोल सकते बट ठीक है। ये माइक्रोफोन है। इसके बाद में यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन का डेडिकेटेड बटन है और ये है पावर ऑन ऑफ, और इसे एक बार क्लिक करोगे तो म्यूट हो जाएगा। ये देखिए ये म्यूट, रेड लाइट भी आपको दिखेगी, ये अनम्यूट। उसके बाद में नॉइज कैंसिलेशन अगर ऑफ करूँ तो ग्रीन लाइट, ये नॉर्मल रिकॉर्डिंग चालू करेगा विथ नॉइस, और इसे प्रेस करने के बाद ये विथ नॉइस कैंसिलेशन पे काम करेगा। तो ये एक टाइप की आप अनबॉक्सिंग देख सकते हो। ये दो डिवाइस क्यों दिए गए हैं कि हम रिकॉर्ड कर सकते हैं इंटरव्यू या दो बंदे एक साथ बात कर सकते हैं वायरलेस ब्लॉग रिकॉर्डिंग करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, दो बंदे की अगर ज़रूरत हो तो ये काम इस तरह काम करेगा। सो देखिए अभी इसे भी मैं पावर ऑन करता हूँ, प्रेस एंड होल्ड इट, ये हो गया पावर ऑन और ये दोनों पेयर हो गए हैं। अभी दोनों जो है माइक्रोफोन नॉइज कैंसिलेशन पे एनेबल्ड है। सो हम एक बार इसकी टेस्टिंग में देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, ये डिवाइस बोया का जो माइक्रोफोन है ये ओनली कंपैटिबल विद आईफोन है। सो मैं अभी इसे कनेक्ट करता हूँ आईफोन के साथ और आपको इसके रिकॉर्डिंग की क्वालिटी जो है आपको सुना देता हूँ। अभी मैं इसे पेयरिंग मोड में है, देखिए अब ब्लू लाइट ब्लिंक होना चालू हो गई है और मैं एक डिवाइस को ऐसे भी ऑन करता हूँ, यहाँ पे रेड लाइट और क्विकली ब्लू लाइट चालू हो गई। सो दैट मीन्स ये दोनों पेयर हो गए हैं और दोनों वर्किंग में है। सो अभी इसकी रिकॉर्डिंग टेस्ट करने के लिए मैं आपको मेरे आईफोन से दिखा दूंगा कैसे इसको, इसकी क्वालिटी कैसी है और इसकी आउटपुट कैसी आ रही है। अभी मैं ये आईफोन से रिकॉर्डिंग करके फिर इसका वीडियो आपको आगे बताऊंगा। ऐसे सेम सिमिलरली जैसे ये दूसरा डिवाइस में चालू करता हूँ, देखिए क्विकली ब्लू हो गया। सो दोनों अभी ये पेयर्ड हो गए इसके साथ। अगर मैं ये डिवाइस निकाल लेता हूँ आईफोन से तो आप देख पाओगे इसकी लाइट बंद हो गई और ये दोनों ब्लिंकिंग होना चालू हो गए, दैट मीन्स ये स्टिल सर्चिंग मोड में है। अगर मैं डिवाइस लगा दूँ, सो मैं डिवाइस ऐसे वापस लगा दूँ, ये दोनों ब्लू हो गए क्विकली। ये फास्ट सिंकिंग है, मोस्ट प्रॉब्ली सारे डिवाइसेस में ऐसे ही फीचर अभी आ रहे हैं। सो ये फास्टेस्ट सिंक हो जाते हैं और ये दोनों अभी माइक्रोफोन ऑन कंडीशन में है। चलिए इसका वीडियो में अभी आपको आईफोन में दिखाता हूँ और इसकी क्वालिटी आपको अभी पता चल जाएगी। सो जैसे कि मैंने पहले कहा था, मेरा डिवाइस यहाँ पे आईफोन पे कनेक्टेड है और ये ब्लू लाइट सिंक हो गई है, दोनों माइक्रोफोन ऑन है। मैं एक को बंद कर देता हूँ। अभी हम इसकी आईफोन पे इसकी क्वालिटी टेस्ट करेंगे। सो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये इस डिवाइस से सिंक हो रहा है। सो वॉल्यूम बेसिकली यहाँ से आ रहा है, आपको सुनाई दे रहा होगा। सो मैं अभी माइक थोड़ा आगे लेके जाता हूँ। हेलो हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो। सो ये इसकी क्वालिटी आपको अभी पता चल रही होगी। सो मैं अगर इसको एक NR बटन एक बार दबा देता हूँ, नॉइज कैंसिलेशन। सो अभी ये नॉइज कैंसिलेशन मोड में है, ग्रीन लाइट मीन्स नॉइज कैंसिलेशन इसका ऑन हो गया है और ये सुपर स्ट्रॉन्ग नॉइज कैंसिलेशन अभी प्रोसेस कर रहा है। जैसे कि पहले आपको हमिंग सुनाई दे रही थी एयर कंडीशन की, अभी वो नहीं सुनाई देगी। मैं आगे और थोड़ा आगे जाके आपको सुना देता हूँ। हेलो टेस्टिंग टेस्टिंग, हेलो हेलो। सो ये इसकी क्वालिटी टेस्टिंग है। सो ये जो है डिवाइस, अगर मैं इसे पावर बटन को एक बार दबा देता हूँ तो ये म्यूट पे चला जाएगा, आपको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। सो आपको कुछ देर के लिए मेरा आवाज़ आपको सुनाई नहीं देगा। हेलो हेलो, अब मैंने इसको निकाल दिया है। सो देखिए ये ग्रीन लाइट हो गई। सो ब्लू लाइट ब्लिंकिंग, दैट मीन्स आपका डिवाइस म्यूट मोड पे है। इसके कुछ फीचर्स हैं जो आप यूजर मैनुअल में देख सकते हो, जैसे सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, और इसको आप फॉलो कर सकते हो। आप पावर बटन प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे
ये शट डाउन हो जाएगा, और अब ये शट डाउन होने के बाद डाउन हो गया है और टोटली वॉइस मेरे आईफोन से आ रहा है। अगर आप सुन पा रहे हो क्वालिटी समझ पा रहे हो तो आप रिवाइंड फॉरवर्ड करके भी वॉल्यूम की क्वालिटी देख सकते हो। सो ये था एक शॉर्ट वीडियो फॉर दी ओया का माइक्रोफोन का क्वालिटी टेस्टिंग। चलिए हम अभी दूसरे फोन में कंटिन्यू करते हैं वापस। सो गाइज, आपने जैसे देखा एक शॉर्ट वीडियो मैंने एक रिकॉर्ड किया था बोया का अनबॉक्सिंग और उसके हाउ टू यूज़। ये चार्जिंग केबल जो है, आप इससे डिवाइस को चार्ज कर सकते हो, आईफोन को चार्ज भी कर सकते हो साइमल्टेनियसली, और इन डिवाइसेस को भी चार्ज कर सकते हो। जैसे इनके जो पोर्ट है टाइप सी के, यहाँ पे नीचे दिए गए, इनसे आप इनको चार्ज कर सकते हो, और एक बार चार्ज करने के बाद एक डिवाइस अप टू 8 to 9 hours चलता है, ऐसे उन्होंने क्लेम किया है। सो गाइज, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत अच्छी है, अगर 50 मीटर्स बोलते हैं तो बहुत ही अच्छा है। डेफिनेटली अगर ये आईफोन यूजर्स के लिए है तो आप इसे ज़रूर परचेस करिए। इसकी जो नॉइज़ क्वालिटी जो है, जो अभी आपने देखी होगी, इसका नॉइज़ कैंसिलेशन बहुत ही अच्छा है, और ये डिवाइस मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मेरे लिए ये काम का नहीं है बिकॉज आई वॉन्ट मल्टी यूज़ डिवाइस। सो टाइप सी पे भी चले, यूएसबी पे भी चले, और आईफोन पे भी चले, ऐसा कोई डिवाइस मैं लेना चाहता हूँ। सो आई वुड प्रेफर द अदर डिवाइस, बट ये आपके लिए वीडियो था, एक शॉर्ट वीडियो, कि आप परचेस करते वक्त जान पाओ ये डिवाइस लेना चाहिए नहीं। तो गाइस, फॉर आईफोन एंड फॉर व्लॉगिंग रिकॉर्डिंग दिस इज द बेस्ट वन। आपको मार्केट में इसे अच्छा नहीं मिलेगा बिकॉज बोया इज़ अ वेरी फेमस ब्रांड फॉर द माइक्रोफोन्स। इनकी जो माइक्रोफोन क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, अनमैच्ड है। सो और 3600 rupees में ये वर्थ है देखा जाए तो, विथ 2 years वारंटी भी आपको मिलती है, और अमेजन रिकमेंडेड है। सो गाइज, आप डेफिनेटली इफ़ यू आर थिंकिंग टू परचेज दिस वन, डेफिनेटली यू विल गो विद दिस। अदरवाइज देर आर सेवरल ब्रांड्स टू परचेज विद द अदर डिवाइसेस कंपैटिबिलिटी। आप आईफोन, आईपैड, टाइप सी पोर्ट्स, एंड्रॉयड डिवाइसेस के साथ कंपैटिबल डिवाइस भी आप ले सकते हो। सो ये था शॉर्ट वीडियो फॉर द अनबॉक्सिंग एंड हाउ टू यूज दिस डिवाइस। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स अगेन, थैंक्स अलॉट।